अस्सलाम वालेकुम, शाह शर्फ खुश आमदी। बात करेंगे शिद्दत के अफसरों में प्रोटीन के प्रोमो के बारे में। आज के अफसर में आप लोगों ने देखा किस तरह उसे कहता है सुल्तान ये क्या आ रहा है, और वहीं उसे कहता है कि घर का मर्म है। सुल्तान को सिर्फ याद आता है किस तरह उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी और उसे सिर्फ एक लेटर मिला था कि उसकी माँ चली गई। वहीं उसे समझाता है कि आप ही उनके साथ गलत करते हैं। वहीं पर वो उससे बात करती है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। वहीं अपनी भाभी से बात करती है और वो देखते हैं वो काफ़ी खुश है क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को पा लेती है, लेकिन सुल्तान का स्वरूप उसे अभी भी देखने को नहीं मिलता। वहीं पर जब वो तैयार हो रही होती है तो पार्लर के बाहर काफ़ी बुरे तरीके से उसे बिहेव कर और वहीं उसे छोड़ के भी चला जाता है, उसका इंतजार करती रह जाती है। और वहीं वो कहता है कि जो उसकी माँ से कहती है तुम्हें उसे साथ ना लाना चाहिए, तो कहती है कि मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ काफ़ी फोटोशूट करवाते हैं और उसको काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन सुल्तान उसे मना लेता है। उसके घर वाले जब वो देखते हैं तो काफ़ी परेशान सी भी होती है और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है इस बात का। अच्छे से फोटोशूट होता है, सब देख के उन दोनों को काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इस तरह तो उससे वो काफ़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नहीं आने वाले एपिसोड में देखेंगे। उसकी माँ से कहती है तुमने उसके साथ गलत किया था, वो कहता है कि अपने असूलों पर वो किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम खुश हो, तो कहती है हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं पर वो चर्री अपने भाई से पॉकेट मनी की पूछता है, वो काफ़ी हैरान होता है कि नहीं ना मेरी दुल्हन को पैसों की क्या जरूरत, आन पड़ सकती है। मैं डॉक्टर से पूछता है तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं वो एक लैंड क्रूजर गाड़ी की बात करता है, ये सब कुछ ऐसा कि सामने जानबूझ के करता है ताकि वो उसे गिफ्ट करे। वहीं उसका भाई उसको बताता है कि वो चाह रही है कि वो सुल्तान को गिफ्ट करे। वहीं लड़कियाँ उससे मिलने के लिए, तो वो कहता है कि मैं काफ़ी जान पहचान वाला हूँ, लोग कहीं ना कहीं मोहब्बत करने वाले मुझे मिल ही जाते हैं। मरीजे के पास जाता है और उसे बताता है कि ऐसे लड़के से उसने शादी किया जो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती है। वहीं उसके गिरबान पकड़ लेती है। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या सुल्तान का ये राज इस तरह के सामने आएगा, क्या उसके बाद भी इस तरह की मोहब्बत ऐसे ही उसके लिए कायम रहेगी, या कब तक सुल्तान उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाता रहेगा। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।